वेलकम फ्रेंड्स, ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो सीरीज में लेक्चर 2 है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नंबर सिस्टम एंड उसके कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी हमने देख लिया। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कोई नंबर दिया हुआ आपको 4040.52, ये डेसिमल में, और इसको हम किस में चेंज करना है, ऑक्टल में। हमें पता कैसे चलेगा कि ये डेसिमल में या ऑक्टल में है किस में, तो ये यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये नीचे लिखा क्या हुआ। अगर 10 लिखा हुआ इट मीन्स डेसिमल, 8 लिखा हुआ इट मीन्स हमें ऑक्टल में चेंज करना है। तो डेसिमल में नंबर दिया हो और हमको उसको चेंज करना हो ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, जिसमें भी, हम उसको सिंपली क्या करेंगे, ऑक्टल में चेंज करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे, बाइनरी में चेंज करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, और हेक्साडेसिमल में तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डेसिमल भी है और इसमें पॉइंट भी लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो 4040 ये है, इसको क्या करेंगे, पहले हम एक काम कीजिए, आप इसको पहले लीजिए ही नहीं, जस्ट एज इट इज ऐसे ही है, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 505, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे 63, रिमाइंडर 1, फिर 8 से डिवाइड करेंगे 87 जा 63 और रिमाइंडर 7। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे, ठीक है, तो ये 7710, तो ये हमारा हो गया ऑक्टल। तो ये वाला नंबर नहीं, केवल 4040 अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो उसको ऑक्टल में कैसे चेंज करने पर क्या आया, 7010। डेसिमल में नंबर बस दिया हो, अगर उसको किसी में चेंज करना हो तो जो भी चेंज करना हो उसके बेस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब सेम को लेते हैं, अगर इसमें पॉइंट भी दिया हो तो कैसे लिखेंगे, 4040.52 है, तो पहले तो हम पॉइंट की साइड वालों को अलग सॉल्व करेंगे और पॉइंट की साइड वालों को अलग सॉल्व करेंगे। तो 4040 का तो हमें पता है कि अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 505, रिमाइंडर 5, फिर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 63, रिमाइंडर 1, फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे 7 और रिमाइंडर 7। तो ये तो आ गया आपका 7710। अब पॉइंट के इस साइड वाले को 0.52 है, अब इसको हमको क्या करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज वी हैव टू चेंज इनटू ऑक्टल। 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू द 16, 1.4, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें इस साइड 16 चाहिए, हमें वो नंबर लाना है जो ऑक्टल के बेस में आता है, 0 to 7। तो पॉइंट की साइड वाला नंबर तो हम लिख लेंगे, बाकी इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट की साइड क्या है, पॉइंट लगा के यहाँ पर लिख दिया 4, इस साइड बचा 0.16, इसको फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 82.1, ठीक है। पॉइंट के फिर साइड वाला नंबर को लिख लेंगे, फिर ये 28 आ रहा है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 8 64 4 और 2.2, ठीक है। फिर पॉइंट की साइड वाले नंबर को ले लेंगे और इसको छोड़ देंगे। देख रहे हैं कि हम बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं लेकिन ये चेन टूट ब्रेक नहीं हो रहा, तो हम इसको एज इट इज 2 या 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एज इट इज छोड़ देंगे, और ये हो गया हमारा ऑक्टल में। तो हमारा जो ये बाइनरी में नंबर दिया हुआ था डेसिमल, सॉरी, तो उसको हमको ऑक्टल में चेंज करना था, तो हमारा हो गया ऑक्टल में। हमने क्या किया, डेसिमल में दिया था, ऑक्टल में चेंज करना था, ऑक्टल में चेंज करना था ना, तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 से डिवाइड किया, साइड में जो रिमाइंडर आता गया उसको लिखते गया, और फिर जब लास्ट में 7 आ गया, और हम कब तक रुकेंगे, जब तक ये ऑक्टल में वो वाला नंबर ना आ जाए जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में आता है, क्या 0 to 7 आता है। अगर यहाँ पर 8 आता ना, तो इसको फिर से हम 8 से एक बार डिवाइड करते हैं। कैसे हम बाइनरी में करते थे, बाइनरी में 0 और 1 आता था,
बाइनरी नंबर सिस्टम में बस 0 और 1 ही यूज कर सकते हैं। ऑक्टल में तो हम 0 to 7 यूज कर सकते हैं, तो 7 आ गया तो अब हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, नीचे से ऊपर लिख देंगे 7 7 1 0। तो ये हमने देखा कि डेसिमल टू ऑक्टल कैसे चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑक्टल टू डेसिमल कैसे चेंज करते हैं। तो इसी एग्जांपल को लेते हैं, 7 7 1 0 ये ऑक्टल, और इसको हमको चेंज करना है किस में, डेसिमल में। 7 7 1 0 इस पोजीशन को लेते हैं 8 पे पावर 0, इस पोजीशन को लेते हैं 8 पे पावर 1, इस पोजीशन को 8 पे पावर 2, इस पोजीशन को 8 पे पावर 3, ठीक है। और उसको कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 पे पावर 3 क्या होता है, 512, 512 इंटू 7 प्लस 8 स्क्वायर 64 इंटू 7 प्लस 8 पावर 1, 8 इंटू 1 प्लस 8 पे पावर 0, इट मीन्स 1 1 इंटू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3584, इसको किया 448, ये तो हो गया 8। अब इसको सम किया तो 4040, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेसिमल, 7 7 1 0 ऑक्टल में दिया हुआ था और हमारा डेसिमल में चेंज होकर 4040 हो गया। तो हमें क्या करना है, ऑक्टल में दिया हुआ है डेसिमल में चेंज करना है। तो राइट साइड वाले को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पोजीशन को लेंगे 8 पे पावर 0, उसको ऐसे कंसेक्यूटिव बढ़ते जाएंगे 8 पे पावर 1 2 3 4 5, और उस पावर को 8 पे पावर जो भी होगा उसको सॉल्व करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके फिर इसके साथ जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, 8 पे पावर 3 का होता है 8 का क्यूब 512 इंटू 7, यहाँ पर जो नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 7, यहाँ पर 7 है 64 इंटू 7, प्लस 8 पे पावर 1 8 इंटू 1 प्लस 8 पे पावर 0 1 1 2, फिर इसको सॉल्व कर दिया, हो गया। अब हम एक और देखते हैं कि अगर पॉइंट हो 4, जैसे 7 ये वाला नंबर ले लेते हैं, 7 7 1 0.412, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है कि इसको पॉइंट वाले को कैसे चेंज करते हैं। इस साइड वाला को तुम्हें आता है चेंज करने, 7 7 1 0.412 है ना, इस पोजीशन को लेंगे 8 पे पावर -1, इस पोजीशन को लेंगे 8 पे पावर -2, इस पोजीशन को लेंगे 8 पे पावर -3, और ये वाला तो हमें पता है 8 पे पावर 1 नहीं 0, 8 पे पावर 1, इस साइड वाला को 8 पे पावर 2, और ये वाला हो जाएगा 8 पे पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका तो आ जाएगा हमें 4040 ऊपर किया पॉइंट प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 8 पे पावर -1, इट मीन्स 1/8 प्लस 1 इंटू 8 पे पावर -2, 1/64 प्लस 2 इंटू 8 का क्यूब 1/512। आप इसको सॉल्व कीजिए और आपका आएगा 4040.52 समथिंग आएगा, 5 5 194 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डेसिमल, 5 1 9 2 आ रहा है, आप इसको 5 2 ले सकते। तो इसमें हमें क्या करना था कि बस हमें ये देखना था कि पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर हो तो उसको 8 पे पावर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस साइड वाले को, और इस साइड हो 8 पे पावर 0, 8 पे पावर 1, 8 पे पावर 2, 8 पे पावर 3, और इस साइड 8 पे पावर -1, 8 पे पावर -2, 8 पे पावर -3, मल्टीप्लाई कर सबको ऐड कर देते हैं। इस तरह हमने देखा कि ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल कैसे चेंज करते हैं, ठीक है।